इंडिया लिंक। फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप सीलिंग फैन का जो कॉइल का जो वाइंडिंग होता है उस वाइंडिंग को आप किस तरह से मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं, उस तरीका मैं बताऊंगा आज इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक करके जाइए और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो ऑल इंडिया लिंक यूट्यूब चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का इस वीडियो लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका फ्रेंड सर्कल पर फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो स्टार्टर है, इस स्टार्टर 12 कॉइल वाला और 24 स्लॉट वाला एक स्टार्टर है। तो 12 करके 24 कॉइल है यहाँ पर 12 और यहाँ पर 12। तो ये एक स्टार्टिंग कॉइल है और दूसरा है एक रनिंग कॉइल, ठीक है। जो अंदर है एक स्टार्टिंग कॉइल बोला जाता है इसको, और जो बाहर में आप देख सकते हैं इसको रनिंग कॉइल कहा जाता है। सीलिंग फैन का ये वाला जो बाहर का हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो कॉइल है ये कॉइल रनिंग कॉइल है और यहाँ पर जो कॉइल है ये कॉइल है स्टार्टिंग कॉइल। ओके फ्रेंड्स, तो इस दोनों कॉइल को मैं चेक करके दिखाऊंगा मल्टीमीटर के सहायता से आप कैसे इस कॉइल को आप आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर दोनों कॉइल एक साथ मिला जुला के एक कॉमन एयर होता है, तो कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कौन सा कॉइल कॉमन एयर है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। यहाँ पर फ्रेंड्स जो कॉइल आप देख रहे हैं, यहाँ पर कॉइल तीनों वायर आपको दिखाई दे रहा है जो बाहर में, एक रेड और एक येलो और एक है ब्लू वाला। तो यहाँ पर कोई भी कलर कोडिंग मेंशन नहीं होता है। तो इस अगर आप कोई दूसरा कोई भी सीलिंग फैन का अगर स्टार्टर का आप ओपन करते हैं तो वहाँ पर भी अलग अलग कलर का वायर आपको देख सकते हैं। हमेशा आपको इस तरह से कलर का वायर आपको दिखाई देगा उस वाला स्टार्टर पे, ऐसा नहीं है। अलग अलग कलर का यूज़ किया जाता है। तो कई इस तरह से एक कलर कोडिंग नहीं होता है जो एक कलर को यूज़ किया जाता है कॉमन एयर के लिए और फेज वायर के लिए और न्यूट्रल एयर के लिए। तो उस तरह से कोई कलर कोडिंग नहीं होता है। तो इसको कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कौन सा वायर इस तीनों वायर से कौन सा वायर कॉमन है, ठीक है। तो उसको फाइंड करने के लिए आपको मल्टीमीटर का जरूर पड़ेगा। तो ये वाला आप देख सकते हैं एक मल्टीमीटर है और यहाँ पर एक स्टार्टिंग कॉइल होता है और एक रनिंग कॉइल होता है। तो अगर आपका कोई भी फॉल्ट है उसको कैसे आप पहचान कर सकते हैं रनिंग कॉइल के अंदर फॉल्ट है या फिर स्टार्टिंग कॉइल के अंदर कोई फॉल्ट है, उसको भी आप इस मल्टीमीटर के सहायता से आप आसानी से पहचान कर सकते हैं। तो वो सारे कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इस मल्टीमीटर को मैं बजर मोड में सिलेक्ट कर रहा हूँ या फिर कंटिन्यूटी मोड में मैं सिलेक्ट किया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक बार टच करके देखिए मल्टीमीटर से बीप का आवाज़ आ रही है या फिर नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड्स मल्टीमीटर से बीप का आवाज़ आ रहा है। तो चलिए इसके बाद एक एक करके टेस्ट करके देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर एक वायर को मैं मल्टीमीटर को आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको रीडिंग शो होगा। यहाँ पर रेड वायर के साथ कनेक्टेड किया और एक येलो वायर के साथ मैं कनेक्टेड कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर अगर मैं ब्लू वाला वायर से अगर कनेक्टेड करूँ तो यहाँ पर देख रहे हैं हाई रेजिस्टेंस आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर लो रेजिस्टेंस आ रही है। और अगर येलो और ब्लू में अगर मैं कनेक्टेड करूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं ब्लू के साथ अगर टच करने के बाद कितना आ रहा है, 395 ओम आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक मुझे मालूम हो गया, ये जो रेड वाला वायर है ना, ये रेड वाला वायर इसका कॉमन एयर है। इसका कॉमन वायर का मतलब क्या है, यहाँ पर जो कॉइल देख रहा है और यहाँ पर जो कॉइल देख रहा है ये एक स्टार्टिंग कॉइल और यहाँ पर एक रनिंग कॉइल, ठीक है। तो इस स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल का अंदर यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्टार्टिंग कॉइल और यहाँ पर जो रनिंग कॉइल,
यहाँ पर स्टार्टिंग कॉइल और यहाँ पर जो रनिंग कॉइल, दोनों से एक वायर, यहाँ से एक वायर और यहाँ से एक वायर निकाल के दोनों एक साथ कनेक्शन होगा, ठीक है, वही यहाँ पर निकल जाएगा, वो वाला कॉमन वायर होगा। तो ये रेड वाला इसका कॉमन वायर है, इस जो आप स्टार्टर देख रहे हैं इसका जो कॉमन वायर है रेड वायर। नया वाला कोई भी अगर स्टार्टर आप ओपन किया है तो अगर उस वाला स्टार्टर पर आप अलग कलर का कलर कोडिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग कॉइल के लिए एक सप्लाई जाती है और दूसरा जाती है रनिंग कॉइल के लिए सप्लाई, और एक कॉमन वायर होता है। तो अगर आप दूसरा कोई सीलिंग फैन पर अगर आप स्टार्टर को ओपन करते हैं तो वहाँ पर आपको अलग तरीके से आपको कलर कोडिंग का वायर आप देख सकते हैं, ठीक है। सेम इसी तरह से कलर आपको नहीं देखने के मिल सकते हैं, हो सकता है मिल जाए तो अच्छी बात है, अगर मैक्सिमम आप नहीं देख सकते तो अगर किस तरह से कलर कोडिंग आपको नहीं मिलेगा, अलग अलग कलर वायर से आपको कॉमन वायर और जो स्टार्टिंग वायर और वो रनिंग कॉइल को लिए सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं, अगर कॉइल पे कोई भी शॉर्ट है तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो इसको मान लीजिए ये वाला इसका कॉमन वायर है, तो उस कॉमन वायर के साथ मैं कोई भी एक मल्टीमीटर का एक सिरा मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बॉडी में अगर कोई भी रॉड में इसके बाद इसका बॉडी में कोई भी मैं अगर टच करी तो यहाँ पर अगर बीप का आवाज़ आपको सुनाई दे अगर देता है तो मान लीजिए आपका कॉइल कोई भी शॉर्ट है, ठीक है। तो आप एक एक करके देख लीजिए सारे कॉइल को, ठीक है, इसी तरह से एक एक करके सारे कॉइल को आप देख लीजिए। यहाँ पर फिर देख सकते हैं कोई भी कॉइल फिलहाल शॉर्ट नहीं है, ये सारे कॉइल को मैं चेक कर लिया। तो यहाँ पर दोनों कॉइल है, एक स्टार्टिंग कॉइल और एक रनिंग कॉइल। तो यहाँ पर मैं तीनों वायर को चेक किया, कोई भी शॉर्ट नहीं है, इसके बॉडी के साथ कोई भी टच नहीं है, तो ये सही है कॉइल। अगर इसके बाद अगर फैंस मान लीजिए आपका फैन अच्छी तरह से घूम रहा है, ठीक है, घूम रहा है, ठीक है, अचानक आपका फैंस घूमना बंद हो गया, तो उसका एक रीज़न हो सकता है आपका कोई भी यहाँ पर जो स्टार्टिंग कॉइल और जो रनिंग कॉइल है, तो ये दोनों कॉइल के यहाँ पर आप जो वायर यहाँ से निकल रहा है यहाँ पर आपको, तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग कॉइल और रनिंग कॉइल दोनों कॉइल पर जो एक एक वायर यहाँ पर कनेक्शन हुआ है आप देख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी कनेक्शन में कोई भी गड़बड़ हो गया, अगर मान लीजिए यहाँ पर कनेक्शन टूट गया, ब्रेक डाउन कर गया, तो यहाँ पर ये सप्लाई नहीं जाएगा, तो उसको आप इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस जो आप कवर देख रहे हैं इस कवर को आपको रिमूव करना होगा, उसके बाद यहाँ पर जो कॉइल का जो वायर है उसके साथ इस वायर को आपको फिर से जोड़ना पड़ेगा, फिर इसके बाद इस तरह से कवर को आपको लगाना होगा, फिर यहाँ से कॉइल को फिर यहाँ से उस वायर को आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप कॉइल को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम, इस तरह से प्रॉब्लम बहुत सारे सीलिंग फैन में होता है, तो आपको मैं प्रोसेस आपको बता दिया। तो आप एक एक करके कॉइल को आप चेक कर लीजिए पहले मल्टीमीटर से, फिर इसको ओपन करके देख लीजिए कोई भी कनेक्शन टूट गया या फिर कनेक्शन नहीं हो रहा है तो उसको दोबारा इसको कनेक्शन कर दीजिए, ठीक, तो इसका प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, और इसी तरह से और भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए प्लीज़ फ्रेंड्स ऑल इंडिया लिंक यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए, और चैनल को जुड़े रहने के लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइब करोगे तो ही तो इस तरह से वीडियो जब मैं सबसे पहले डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।